तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, बेसिकली मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, और कैसे उनको मेजर करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें पढ़ना है मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक। सही है, प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट पढ़ना है। अभी हमारे पास अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी भी चीज़ की दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी? एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, दूसरी होती है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? What do you mean by physical properties? हाँ, जैसे डेंसिटी हो गया या वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ठीक है, ठीक, ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है, वो रिएक्शन क्या करी, क्या रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आए, ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, सही है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे, देखो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री बेसिकली आपकी ये जो केमिस्ट्री है तीन तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ठीक है, देखो फिजिकल के अंदर आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोरिलेट करके क्या चेंज आएगा, किस तरीके से करेंगे तो कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल के अंदर। ऑर्गेनिक में पूरी एक ब्रांच है, तुमने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन एडिट्स कंपाउंड, उसमें जो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, तो उनकी जो पूरी केमिस्ट्री है वो तुम्हारी क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन वाले कंपाउंड हटा दो तो जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी केमिस्ट्री इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, सही है। चलो अब आगे डील करते हैं जरा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो मेन सेवन फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो बेस सेवन फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो कौन सी है? बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं से बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम बना सकते हैं। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है देखो कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ठीक, अमाउंट, सब्सटेंस का और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो चैप्टर का ये वाला पार्ट है तुम्हारा फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है, सही। अब इनके सिंबल्स क्या होते हैं, देखो इन प्रॉपर्टीज के सिंबल्स क्या होते हैं, बेस क्वांटिटीज की जो अगर हम बात करें तो क्या सिंबल्स होते हैं? लेंथ के लिए देखो सिंबल यूज करते हैं हम क्या? एल। मास के लिए एम, टाइम के लिए स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? करंट का सिंबल बताओ जरा फटाफट क्या होता है? आई, ए नहीं होता, ए एम्पेयर होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल टी लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन से डिनोट करते हैं।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है आई वी, ठीक है। चलो सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं एसआई यूनिट। लेंथ किसमें यूज होती है? लेंथ किसमें मेजर करते हो? एसआई यूनिट क्या है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की एसआई यूनिट? इलेक्ट्रिक करंट की बताओ जल्दी से। एम्पेयर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर? टेम्परेचर की क्या होती है? थर्मोडायनेमिक से मत कंफ्यूज हो। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। सब्सटेंस किसी भी चीज का सब्सटेंस है तो उसको किस में मेजर करते हैं? मोल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस को हम हमेशा मोल्स में मेजर करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये मैं बता रही हूँ, ये होता है कैंडेला सीडी, ठीक। क्लियर है यहां तक? चलो इसे नोट करो। कॉपी के लिए मैं आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। अभी मैंने इसलिए नहीं दी है क्योंकि वो वाला पार्ट मैं लिखवाऊंगी नहीं जो तुम्हें कल समझाया था मैटर वैटर, तो वो सब मैं लिखवाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें कोई भी नोट्स नहीं दिए थे, ठीक। अगर वो लिखवाऊंगी भी तो बहुत थोड़ा सा पार्ट लिखवाऊंगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, सही। यहां से समझ लो तुम्हारा चैप्टर ढंग से शुरू हुआ है। कल जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमें पता होना चाहिए फॉर केमिस्ट्री, तो है वो इसी चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी चैप्टर के जब हम क्वेश्चंस करने चलेंगे तो उस वाले पार्ट का अभी तक कोई यूज आएगा नहीं जो हमने कल पढ़ा था। हाँ मैं पता होना चाहिए आगे के लिए काम आएगा। हाँ मैं आपको देखो ये क्या है, ये आपके स्केमेटिक नोट्स हैं, इन्हें लिखा जरूर करो, ठीक है। बाकी नोट्स जो होंगे वो मैं तुमको भेज दूंगी, तो फेयर कॉपी में आप वही लिखेगा। ठीक है, डराइव्ड यूनिट्स के हिसाब से पास्कल तो होगी, और क्या होगी पास्कल के अलावा? अच्छा बार हो गई, और ड्राइव करके बताओ मुझे, ड्राइव करके ओम कहाँ से आ गया बेटा? खुशी ड्राइव करो जरा, देखो ड्राइव करें। एच क्या है? हाइट। हाइट किस में होती है? मीटर में, ठीक है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर की जगह मैं अपॉन लिख रही हूँ मीटर क्यूब। जी क्या है? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना नाइन्थ में। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा नहीं रो नहीं है ये, ठीक। जी की वैल्यू क्या होगी? मीटर पर सेकंड, यही तो होगी, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू पड़ी थी ना 9.8। क्या होती है यूनिट, क्या होती है? याद नहीं है,
से कैसे पढ़ी थी वही जो याद नहीं है। हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती थी। ठीक, अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, ये 2 मीटर से ये 2 मीटर कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ मीटर, ये केजी है और ये सेकेंड स्क्वायर है, यानी केजी पर मीटर, या ऐसे लिख लो मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ कन्वर्जन्स भी होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको वो याद होगा, ठीक है नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखो कन्वर्जन्स इन यूनिट्स, तुम्हें वो याद है, ऐसे करके एक पढ़ा था, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच, याद है ये बचपन में पढ़ा होगा। ठीक, तो इसको यूज करना आता है। देखो अगर हम इसको मीटर मान ले तो ये क्या हो गया डेकामीटर, ये क्या हो गया हेक्टामीटर, ये क्या हो गया किलोमीटर, ये डेसीमीटर सेंटीमीटर, और ये होगा क्या मिलीमीटर, ऐसे ही तो पढ़ा था। ठीक है, अब अगर इसके इधर जाएंगे तो जितने लेवल चलेंगे उतना 10^+1 करते जाएंगे। ठीक है, जितने लेवल बढ़ेंगे 10^+1 करते जाएंगे, इधर की साइड जितने लेवल जाएंगे उतना ही हम 10^-1 करते जाएंगे। ठीक है, चलो अब करें जरा। अब तुम्हें करना है मीटर से सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है मीटर टू सेंटीमीटर आपको कन्वर्ट करना है, सही जरा करके बताना। 1 मीटर को कन्वर्ट करो जरा, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, क्या करना है मीटर से सेंटीमीटर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार गए दूसरी बार गए, 2 हो गया। अच्छा एक चीज मैंने शायद गलत उल्टी लिख दिया, यहाँ -1 करो यहाँ +1 करो, अब सही। तो क्या हो जाएगा, देखो 1, 2 मतलब 2+ आएंगे, 10^2 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। अगर ऐसे हमको बोले 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, आप देखो कहाँ जाओगे, सेंटीमीटर से लेफ्ट साइड पे जाओगे ना, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना गया है 1, 2, तो 10^-2, क्लियर है। अब तुम्हें करना है 1 डेसीमीटर से किलोमीटर, बताओ जरा डेसीमीटर टू किलोमीटर, डेसीमीटर ये है किलोमीटर ये है, किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, देखो कितना जाएंगे 1, 2, 3, 4 चार बार गए इधर की साइड गए, तो 10^-4 सही है, जो भी नंबर है उसको 10^-4 से कन्वर्ट करोगे, 1000 नहीं आएगा। अगर हम किलोमीटर से कहे डेसीमीटर तब आएगा तुम्हारा ये 10,000 सीधा, फिर 10^4 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसको याद रखो और फिर कन्वर्जन कर दो सीधा, ये 1000 भी लगाना बंद कर दो, अब 10^ में चलना शुरू करो, कितने जीरो लगाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा 10^ यूज होगा, तो कहाँ तक जीरो लगाते रहोगे। ठीक है, तो उस चीज को बंद कर दो। चलिए आगे बढ़े, इसको नोट कर लिया था किंग हैरी वाले को, मैंने रब कर दिया क्योंकि है। अगर नोट नहीं हुआ हो तो YouTube वाला जो वीडियो डालता है ना उसमें देख लेना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आओ।
अब कुछ और अदर यूनिट्स भी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक, वो मैं तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं लिखवा रही हूँ, मैं जस्ट कुछ कुछ बता रही हूँ जो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नैनो, माइक्रो, ठीक, ये तो सारे हो ही गए हमारे, और पीको, और आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं, एक आर्मस्ट्रॉन्ग और होती है, ये याद होनी चाहिए। देखो अब यूनिट का कन्वर्जन देखो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-9 मीटर, माइक्रो में 1 माइक्रो ऐसे लिखते हैं, माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-6 मीटर, पीको 1 पीकोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-12, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10^-10 मीटर, ये लिख लो, ठीक, या अदर यूनिट्स की जगह अदर कन्वर्जन्स में। ठीक है यहाँ तक, पीको की वैल्यू है बेटा 10^-12, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, क्यों, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, ओके बेटा, नहीं बोल, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लास वीडियो शेयर करूंगी ग्रुप में, हाँ ठीक है कर दूंगी, एक्चुअली तुम्हारे लिए मैं सोच रही थी कि अलग से एक्चुअली मैं एक वीडियो बनाने के लिए